हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, पूरा एक न्यू टेक्नीशियन जो अभी ये नया नया काम सीख रहा है, तो ये एक पीसीबी जो मार्केट चाइना पीसीबी ये लेके आया मेरा पास। तो चलिए ये पीसीबी रिपेयर करके देखूँगा और इसका फॉल्ट क्या है सब कुछ आपको ये वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होगा, आप शुरू से लास्ट तक देखिए मेरे न्यू टेक्नीशियन को। ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये वो जो चाइना पीसीबी लेके आया, देखिए इसका सेंसर कनेक्शन कुछ भी नहीं लेके आया, एसी कॉर्ड ये सब कुछ ओपन करके इस तरह ये लेके आया। तो पार्टी ने बताया कि इसका जो फॉल्ट है कि वाइट पिक्चर आ रहा है, और वो खुद ये पीसीबी ऑन करके देखा है कि पीसीबी के अंदर लाइट नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब कुछ कनेक्शन करूँगा, कनेक्शन करने के बाद देखा जाएगा कि कौन सा फॉल्ट है, तो वही रिपेयर करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों देखिए पीसीबी को मैं अलग पिक्चर टेप पर फिटिंग्स किया। फिटिंग्स करने के बाद देखिए ये स्मॉल लेग वाला बेस है, तो आपको सब कुछ और स्टेप बाय स्टेप देखूंगा। इसका सेंसर पैनल बॉटम स्विच का कनेक्शन ये अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं, सप्लाई देके एक बार देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलिए, सप्लाई तो मैं दे दिया बट लाइट तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये स्टिक ये नीचे वाला पिन को एक बार घुमा के देखना पड़ेगा। तो मैं पूरा डाउन करके देखा, देखिए उसका बाद चलिए मैं फुल करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ भी फेक वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट को मैं फुल कर देता हूँ, और ये पॉइंट पर आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए मैं फुल कर दिया, ठीक है, फुल करने का बाद भी लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम मिला कि इसका लाइट नहीं है, तो ये जो पीसीबी लेके आया वो सही बात है कि इसका लाइट नहीं है, और पार्टी ने बताया कि इसका पिक्चर वाइट पिक्चर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका लाइट तो फर्स्ट दिखना पड़ेगा, और उसके बाद पिक्चर किस तरह आता है, कलर है कि नहीं है, ये भी दिखना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट मैं चेक करूँगा कि इसका ESD सप्लाई 110 वोल्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, एग्जाम्पल है। ESD सप्लाई देखिए 109 वोल्ट, ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, क्योंकि ESD ऑन नहीं होगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा, तो इसीलिए ESD तो ऑन है, तो उसका बाद 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो ये 180 वोल्ट लाइन पर 161 वोल्ट, मतलब इसका ESD ऑन है, यही वोल्टेज देखने के बाद पता चलेगा कि ESD ऑन है। और ESD सप्लाई जैसा सेम वोल्ट देखा जाएगा तो ESD ऑन नहीं है। ठीक है, ये आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा। तो ESD जब ऑन होगा तो उसका बाद इसका फिलामेंट सप्लाई जरूर आउटपुट होगा। तो इसका ये तीन नंबर ये माई साइड से ये AC 4.5 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है, तो मीटर पर आप देख सकते हो AC 4.5 वोल्ट का आसपास फिलामेंट सप्लाई ESD से आउटपुट हो रहा है। तो ये वोल्ट मिसिंग होगा तो लाइट नहीं आएगा। तो उसके बाद बीच में ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 2 वाट का, ये रेजिस्टेंस का पास भी वोल्टेज दोस्तों देखिए 4.6 वोल्ट का आसपास, मतलब ये जो फिलामेंट सप्लाई ये जैक का तो बेस बोर्ड का अंदर जाता है। ठीक है, और बेस बोर्ड का जो ये पिन है, ये पिन पर फिलामेंट सप्लाई मौजूद है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पिन पर भी फिलामेंट सप्लाई ओके है। बट दोस्तों अच्छा तरह से देखने के बाद इसका जो फिलामेंट ये ऑन होना चाहिए, बट फिलामेंट जल रहा है कि नहीं ये ऊपर से नहीं देखा जाता है। तो कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट बहुत अंदर होता है, और उसका बाद ABL वोल्टेज एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ESD पिन पर AC ABL वोल्ट 10 वोल्ट, मतलब ESD पिन से ABL वोल्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ABL वोल्ट मिसिंग होगा तो तब भी नो लाइट फॉल्ट हो सकता है। तो उसका बाद जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का पास भी एक बार वोल्टेज देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फिलामेंट ABL वोल्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ABL वोल्ट मौजूद है, तो और क्या फॉल्ट है, नो लाइट फॉल्ट, और क्या फॉल्ट हो सकता है, फिलामेंट सप्लाई तो ओके है, ABL वोल्ट ओके है, और क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए G2 सप्लाई पॉइंट है, ये जो G2 सप्लाई एक PF ये 102 का PF है, ठीक है, 2 KV का, यहाँ पर भी 38 वोल्ट का आसपास वोल्टेज शो हो रहा है। तो ये ये G2 पिन डायरेक्ट बेस पिन का साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है। चलिए इसका बेस ओपन करके एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा, हो सकता है कि इसका बेस खराब हो गया। तो दोस्तों इसी तरह मैं एक बहुत दिन पहले वीडियो बना के देखा कि उसका बेस
फॉल्ट का रीजन से लाइट नहीं आया। तो देखिए इसका मिडिल पिन देखिए बहुत सल्फर देखा जाता है, आप अच्छा करके देखिए बहुत सल्फर देखा जाता है, बट ये पिन टूटेगा तब भी लाइट कुछ ना कुछ आएगा। और इसका अंदर जो फिलामेंट पिन ये अंदर से टूट जाएगा तो बेस का ठीक है लाइट नहीं आएगा। और दोस्तों देखिए ये जो पिक्चर ट्यूब है इसका फिलामेंट बहुत अंदर है, ये बाहर से नहीं देखा जाएगा, तो कोई बात नहीं तब भी ये बेस का जो G2 पिन है ये भी अंदर से टूट जाएगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बेस को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये बेस को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए आपका सामने ही मैं ये बेस ओपन करूँगा और ओपन करने का बाद एक न्यू बेस लगा के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह फॉल मैं बहुत दिन पहले जो रिपेयर किया बेस चेंज करने के बाद लाइट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वो वीडियो देखने के बाद एक व्यूअर्स कमेंट किया कि सर आप किस तरह वीडियो बनाते हो, ये फेक वीडियो है, बेस प्रॉब्लम से लाइट प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये कभी नहीं होता है। तो क्या बताऊँगा, तो दोस्तों आज तक मैं कभी नहीं फेक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये चैनल का प्लेलिस्ट चेक करके भी आप अलग अलग दूसरा वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। जो वीडियो मैं बनाता हूँ सभी रियल वीडियो होते हैं, आज तक कभी नहीं फेक वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों क्यों फेक वीडियो बनाना पड़ेगा, जो काम जो फल मिला वही तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, दूसरा क्यों शेयर करूँगा, फ़ायदा क्या होगा मेरा। तो दोस्तों देखिए ये जो बेस मैं ओपन करने के बाद देखिए इसका कुछ पिन देखिए नज़र में जो आ रहा है कि टूटा हुआ ही लग रहा है, और ये देखिए नॉर्मल सी ओपन हो गया, बट ये इस तरह ओपन नहीं होना चाहिए, हो सकता है इसका बेस बहुत दिन पुराना है और फायरिंग के बजाय कुछ इस तरह फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए आपका सामने ये बेस ओपन करूँगा और ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखेगा तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये बेस तो मैं ओपन किया और ये जो अलग अलग ये एक टूटा हुआ टांग ये मैं ओपन करूँगा और इसका ये पोजीशन पर एक न्यू बेस लगाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स काम कुछ कुछ टाइम पार्ट्स चेंज करके ही देखना पड़ेगा, तो ये ऊपर से अंदाज़ा लगाना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेस को चेंज करके देखना पड़ेगा लाइट आएगा कि नहीं आएगा और इसका दूसरा अलग कुछ और फॉल्ट है कि नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका सामने ये बेस लगाऊंगा। और दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है और एक टेलीग्राम चैनल लिंक भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री में, सब कुछ फ्री में, ठीक है। वहाँ पर बहुत सपोर्ट मिल जाएगा आपका, क्योंकि ग्रुप के अंदर बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बड़ा बड़ा टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ है, बहुत डिस्कस चल रहा है और मैं भी वहाँ पर जिस टाइम मिलता है मैं आंसर देने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये सब कुछ आप सब लोगों के लिए ही मैं फ्री में किया, तो इसीलिए दोस्तों ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके मुझे को सपोर्ट कर दीजिए। तो नया नया वीडियो इसी तरह मैं लेके आऊँगा, बहुत कुछ बैंडेड टीवी और चाइना किट बहुत कुछ LCD LED होम थिएटर सबका ऊपर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ये चैनल के अंदर सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों वो सब अलग अलग वीडियो आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो का प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक करने के बाद मैं सबका ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, बेस बोर्ड का ऊपर, पावर सेक्शन का ऊपर, ESD सेक्शन का ऊपर, वर्टिकल सेक्शन के ऊपर, साउंड सेक्शन के ऊपर, सब कुछ। तो दोस्तों थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों वीडियो ही मैं बनाता हूँ और दोस्तों ये प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। और नो लाइट प्रॉब्लम का ऊपर आप थियोरी वीडियो देखना चाहता हो तो आप चाइना प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये चैनल के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब भी ये वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पोजीशन को मैं काट नहीं दूंगा, पूरा डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ, बट कुछ पोजीशन को स्पीड कर दिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए मैं ये 10 मिनट का अंदर ये वीडियो मैं बना के आपको देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखा आप फल देखिए कितना टाइम लगता है, तो आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों बेस चेंज किया, सप्लाई दे दिया और स्क्रीन पर देखिए दोस्तों लाइट आ गया, लाइट आ गया। तो दोस्तों ESD को मैं फर्स्ट टाइम घुमाया इसलिए ESD को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखिए ब्लू लाइट इसका बिल्कुल ओके आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ये बेस चेंज करने के बाद लाइट प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा साउंड ओके मिल सकता है,
बट ESD सप्लाई मिसिंग होगा, ESD ऑन नहीं होगा तो लाइट नहीं आएगा। तो ESD कैसे ऑन होता है, किस तरह इसका सिस्टम है, इसका ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत क्लियर करके दो चार वीडियो बना के रखा है, ठीक है। आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं भी दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।